एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ए सी इज ए डायगोनल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज है जिसमें पी साइड ए बी का मिड पॉइंट है क्यू बी सी का मिड पॉइंट है आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है सो दैट सिद्ध करना है नंबर 1 एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी नंबर 2 पी क्यू इक्वल टू एस आर पी क्यू इक्वल टू एस आर नंबर 3 पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज है गिवन में लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक टू प्रूव यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ए सी डी एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम इस प्रकार फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड सेकेंड पार्ट पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूव करना है इसके लिए ट्रायंगल ए बी सी लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी पी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ हाफ ए सी फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी देयरफॉर पी क्यू एंड एस आर इक्वल सेकेंड पार्ट प्रूव्ड थर्ड पार्ट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम ये प्रूव करना है फ्रॉम 1 एंड 2 एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी दिस इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर दिस इंप्लाइज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देयरफॉर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज parallelogram इस प्रकार थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया क्वेश्चन 2 ए बी सी डी इज ए रंभस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली
ए बी सी डी इज ए रेम्बस समचतुर्भुज है, और पॉइंट पी साइड ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। गिवन यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेंगे, टू प्रूव यहाँ से करके यहाँ तक लिख लेंगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए सी, हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, इसके लिए पहले ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी पी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। देयरफोर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। Therefore, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. फ्राम वन एंड टू पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इट मीन्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। Therefore, PQRS is a parallelogram. Now, AB equal to BC. Sides of rhombus are equal. It implies half half AB is equal to half half BC. P is midpoint of AB. Therefore, PB is half of AB. Similarly, Q is midpoint of BC. Therefore, BQ is half of BC. In triangle PBQ, since PB is equal to BQ, therefore angles opposite to equal sides are equal. Angle 3 is equal to angle 4. In triangle APS and CQR, AP is equal to QC because they are half half equal sides AB and BC. Similarly, AS is equal to RS, half half equal sides AD and CD. And third, PS is equal to QR, opposite sides of parallelogram. Therefore, these two triangles will be congruent. Number 1, AP is equal to QC, half half equal sides AB and BC.
नंबर टू ए एस इक्वल टू सी आर हाफ हाफ इक्वल साइड्स ए डी एंड सी डी हाफ हाफ इक्वल साइड्स ए डी एंड सी डी नंबर थ्री पी एस इक्वल टू क्यू आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल कंटिन्यूड नेक्स्ट पेज देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट थ्योरम देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल नाउ एंगल वन एंड थ्री एंड एंगल एस पी क्यू दिस थ्री एंगल्स मेक ए स्ट्रेट एंगल देयरफॉर सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री सिमिलरली एंगल फोर प्लस एंगल टू प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल ठीक इसी प्रकार एंगल फोर प्लस दिस एंगल Q angle plus 2 equal to 180 degree. From this 2, right hand sides are equal, therefore LHS will be equal. Angle 1 and 2 are equal, 1 and 2 are equal, therefore we can cancel. Similarly, angle 3 and 4 are equal. 3 of 4 cancel. Now these two angles are interior angles on the same side of transversal PQ. PA is parallel to QR and PQ is transversal. Therefore these two angles are interior angles. Therefore their sum will be 180 degree. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पी क्यू आर को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल एस पी क्यू से दोनों इक्वल है एडिंग और एंगल एस पी क्यू इक्वल टू टू को इधर ले आएंगे 180 बाई टू 90 डिग्री हो जाएगा एस पी क्यू 90 डिग्री हो गया यदि किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो वह रेक्टेंगल होता है पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस रेक्टेंगल प्रूफ हो गया प्रूफ्ड